जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कोई जॉब से रिलेटेड बात नहीं करूंगा, यह एक मोटिवेशनल वीडियो है। दोस्तों हमारी टीम से हमारे चैनल से जुड़े हुए एक बच्चे की स्टोरी है, एक जो उम्मीदवार है उसकी स्टोरी है, उन्होंने क्या अपना जो अनुभव है वो आप लोगों से आज शेयर करेगा। दोस्तों ये बच्चा है जो उत्तराखंड का रहने वाला है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का, और एक बहुत ही गरीब फैमिली से है। और इन्होंने बताया कि सर मैंने न्यूज़पेपर बेचा, झाड़ी मजदूरी करी, तब इन्होंने क्या है भर्ती जो परीक्षाएं थी उसकी तैयारी करी। तो आज के समय में दोस्तों इन्होंने क्या है, नाम इनका है मोहित सिंह नेगी, उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के अंदर हवलदार सर, यूके पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल, और एसएससी जीडी का इन्होंने क्या है एग्जाम क्लियर किया हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, भारतीय नौसेना में इंडियन नेवी के अंदर इनका 6 जून को क्या है ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से ये जुड़े थे, यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े थे, और उसके बाद बहुत दिनों तक मैं इनको गाइड करता रहा। इनसे जब भी इनको ज़रूरत पड़ी मैंने मैसेज या फिर कॉलिंग या फिर व्हाट्सअप के द्वारा इनको गाइड किया। तो कहते हैं दोस्तों कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा गुरु है, अगर आपको पास एक अच्छी गाइडलाइन है, तो क्या है आप जीवन में क्या है सक्सेस होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो वही है जो हमने फौज से सीखा है, जो मैंने फौज से सीखा है, जो मेरा खुद का अनुभव है, वही क्या मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में इस बच्चे से आपसे मिलवाऊंगा और जो ये अपना अनुभव है वो आपसे शेयर करेगा। और दोस्तों यही मेरी कोशिश रहती है कि जो सही जानकारी है, जो मुझे सही जानकारी मिलती है, वही मैं आप तक पहुंचाता हूं। और जब भी बच्चे क्या है डीमोटिव हो जाते हैं या फिर उनको लगता है कि आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कॉल करते हैं, तो मैं क्या है जो अपना अनुभव जो मैंने सीखा है बीइंग अ सोल्जर, वो उनको उनके साथ साझा करता हूं। और दोस्तों बहुत खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मन के अंदर एक हर्ष होता है, एक उल्लास होता है कि हमने जो सीखा था, हमारा जो ज्ञान है, उसके कारण क्या है मोहित सिंह नेगी जैसे जो बच्चे हैं, जब वो कहते हैं कॉल करके कि सर हमारी जॉब लगी है और हमारी ज्वाइनिंग है, तो उनसे ज़्यादा खुशी क्या है हमें होती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है बोलते ना, गुरु, एक गुरु अगर आपके पास एक सही गुरु है, तो क्या है आपको सक्सेस होने में क्या है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत ही साधारण बालक था, लेकिन उसके पास क्या था, जो गुरु था चाणक्य, है ना, उनके गुरु कौन थे चाणक्य। तो चाणक्य ने क्या है एक साधारण से बालक को क्या बना दिया था, भारत का सम्राट बना दिया था। ठीक है, तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस बच्चे को ज़रूरत है ना, मेरी यही कोशिश है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो YouTube है उसके सब्सक्राइबर एक दिन में 10 लाख हो जाए या 2 लाख हो जाए या 3 लाख हो जाए, नहीं, हमारी ये कोशिश रहती है, मेरी ये कोशिश रहती है कि यार जो हमने फौज में सीखा है, जो हमारा अनुभव है, अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है, किसी ज़रूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंचती है, तो अगर उसका भविष्य बनता है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हमें कोई नहीं होती है। ठीक है ना, तो आगे इस वीडियो में आप मिलेंगे अमित सिंह नेगी से, जो कि अपना अनुभव था, जो कि मैं ये नहीं बोलता कि मैंने उनकी बहुत मदद कर दी या मैंने उनको नौकरी लगाया, नहीं, मैंने क्या है उनको एक सिर्फ क्या दिखाया, एक मैंने उनको गाइडलाइन दिखाया कि आपने इस रास्ते पर चलना है। ठीक है, मेहनत किसकी है, मेहनत आपकी है, मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता बताने वाला हूँ कि आपने इस रास्ते पर चलना है। मेहनत किसने करनी है, आपने करनी है, मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि आपने ऐसे मेहनत करनी है, आपने ऐसे अपना एफर्ट लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों आगे आप वीडियो को देखें और सुने अमित सिंह नेगी, जिनका सिलेक्शन इंडियन नेवी के अंदर हो चुका है, 6 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग है। मेरी तरफ से, जो मेरी टीम है उसकी तरफ से, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे की भविष्य के लिए। हेलो माय फेलो फ्रेंड्स एंड माय रिस्पेक्टेड सर, मैं मोहित सिंह नेगी, मैं अल्मोड़ा से बिलोंग करता हूँ, और हाल ही में मैं डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। तो अभी रिसेंटली तो मेरे 3 एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हैं, एक मेरा हवलदार एसएससी का, एंड सेकंड एग्ज़ाम मेरा उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल का, एंड थर्ड एग्ज़ाम मेरा इंडियन नेवी का। सो नेवी में ज्वाइनिंग आ चुकी है मेरी, और अदर एग्ज़ाम्स मेरे पुलिस हेड कांस्टेबल्स का मेरा जो एग्ज़ाम है उसका खाली मेडिकल बच चुका है, और थर्ड जो मेरा एसएससी का है उसका रिटर्न क्लियर हो चुका है, उसका फिजिकल जो है जनवरी में है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो एसएससी की जो एग्ज़ाम है, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी कि एग्ज़ाम आते भी हैं डायरेक्ट एंट्री, तो मैंने सर की वीडियो देखी उस टाइम पे, हमारे कठाई सर की वीडियो देखी मैंने, और जिससे मुझे पता चला कि इसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो मैंने उसकी प्रिपरेशन तो प्रॉपर स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं CDS की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उससे मुझे थोड़ा हेल्प मिली CDS से। तो सर से मेरी बात होती रही व्हाट्सअप पे, और सर ने मुझे जब चाहे रात हो 11 बजे 12 बजे सर ने हमेशा रिप्लाई दिया मुझे, तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो फिर मैं गया, मेरा एग्ज़ाम द्वाराहाट में था मेरा, अल्मोड़ा में, तो वहाँ एग्ज़ाम देने गया मैं।
तो एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम बाद में पता चला कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है मेरा, और उस टाइम पे मेरे नेवी की ज्वाइनिंग भी आ चुकी थी अभी, तो अगले महीने मेरी 6 को ज्वाइनिंग है। और फिर मैंने सर से बात करी थोड़ी, तो सर ने मुझे थोड़ी गाइडेंस दी। सर ने कहा पहले ज्वाइन कर ले तो उसके बाद NOC ले लेना। तो सर ने मेरी, मतलब सर ने अपने चैनल में मुझे बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी, लाइक रिलेटेड, ऐसा कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी, कोई भी इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी सर ने मुझे। तो बस मैं सर का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ इन चीज़ों में, और बस थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमारे जो चैनल के साथ जुड़े हुए एक बच्चे थे, उम्मीदवार थे। वैसे तो कई लड़के सक्सेसफुल हो गए, कई BSF हेड कांस्टेबल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन क्या है फिर बच्चे जब सक्सेसफुल आते हैं तो वो थोड़ा क्या फिर कांटेक्ट नहीं करते। लेकिन ये बच्चा था, इसने मुझे जब ये जॉब लग गया तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि सर आपने जो हमें बताया था, हमें जो आपने गाइड किया था, उससे क्या हमें बहुत सहायता मिली। तो बहुत ही खुशी होती है ऐसे बच्चों के साथ अपना अनुभव शेयर करके, हमें भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको भी जरूर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे इस बच्चे ने, देखिए कितने सारे जो पेपर हैं इसने क्या है क्वालिफाई कर रखे हैं। ठीक है, तो मैंने इनको ये बोला कि आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छा भविष्य आपको मिला है। अगर आप आगे हवलदार साहब का जो फिजिकल है वो देना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।